ये फोटो शूट एक्चुअली नच के बाद ऐश करवाना चाह रही थी, क्योंकि आई थिंक बहुत काफ़ी सालों बाद तूने कुछ फोटोशूट करा, कुछ 6 साल बाद। हाँ, और मुझे इस फोटोशूट के लिए फोर्स किया गया है, धक्का दे के बांध के लाए गए हैं कि तुम भी कराओ, तो मैं तो इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैंने रोहित को कभी इतना पतला नहीं देखा है। सो नच में जाने का सबसे अच्छा हम लोगों को फायदा यही हुआ कि हम दोनों बहुत पतले हो गए। एंड ये पतली हो गई मतलब व्हाटएवर। और अब आई थिंक जब आप इतने पतले हो जाते हो तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट योर पिक्चर्स क्लिक्ड। मैंने रोहित को बोला कि चलो मैं अपनी पिक्चर्स खिंचवा रही हूँ, तो तुम भी ज़रा अपना हाथ आजमा लो कैमरा के सामने। नच में इन लोगों ने, इसने स्पेशली इतना फ़न किया एंड काफ़ी लोगों ने इसे लाइक किया। सो आई जस्ट थॉट दैट मे बी इज अ नेचुरल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड यू शुड ट्राई इट आउट। इस चक्कर में सुबह से कुछ खाया नहीं है मैंने ताकि पतला दिखने। नच बोलिए एक्सपीरियंस माइंड ब्लोइंग था एक्चुअली। हमने सोचा नहीं था कि अभी नहीं, हाँ मतलब कि इतना आगे तक हम जा रहे हैं, मतलब हमें तो लगा था कि हो जाएगा 2-3 में ही पैकअप। एक्चुअली नच का जो पूरा सफर रहा बहुत अच्छा था। फिलहाल कल के एपिसोड में बेस्ट परफॉर्मेंस था, हमें नच पावर भी मिला है। हाँ, सो बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे पूरी जर्नी में, लेकिन हमारे लिए मोस्टली अप्स ही रहे क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। डाउन्स तो डाउन्स में तो मैं सीधा स्टेज पे गिर जाता था तो हमने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग इतने लोगों के एलिमिनेशन को देखेंगे। And we thought we'll be the first ones to get eliminated, और ऐसा नहीं हुआ, so it was a very very good journey. Reality show के बाद ऐसा माना जाता है कि एक change आता है किसी भी celeb कोई भी, तो आप दोनों की life में कोई ऐसा change आया especially? मैं हम पतले हो गए हैं और थोड़े health conscious हो गए हैं। Health conscious हो गए हैं, आपका सहनशीलता बढ़ जाता है life की, सहनशीलता, क्योंकि वहाँ पर ना फोन थे, ना अखबार था, ना टेलीविजन था, बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुक, कोई लेना देना नहीं था, तो वहाँ से आप आई थिंक चीज़ें झेलने की वो चीज़ ज़्यादा आ जाती है। तो अभी मेरे गंदे जोक्स कम हो गए, इनफैक्ट गलत है वो तो। हाँ, मेरे गंदे जोक्स कम हो गए, पहले जो मैं इतने पीजे, मतलब मेरी एवरेज थी कि 10 मिनट्स पर पीजे, अभी वो आई थिंक वो 2 घंटे पर पीजे हो चुका है। ये इतना सीरियस हो गए हैं, सीरियस हो गया मैं शांत हो गया उससे। ये चेंज आता है, आप लाइफ को मतलब जो आ रहा है अलग नजरिए से देखते हो। शट अप नॉनसेंस। हाँ, और सब कुछ नहीं है और सब लोग दुश्मन लगने लगते हैं। Really? हाँ, तो कौन वैसे... कौन प्लॉटिंग कर रहा है मेरे के? अच्छा वो ये कुछ बोल रहा होगा, तो ये दिमाग बहुत चलता है आपका। नहीं, बट ओवरऑल आई थिंक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस। ऐश्वर्या की तरफ तो नहीं कर रहे बिकॉज़ नहीं, अबे लड़वाओगे क्या, पागल हो? नहीं नहीं, ये मैं वैसे ही बाकी लोग कि हमारे प्रति हम एक ही हैं, रोहित और ऐश्वर्या है ना।